हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग इन्फो। इस चैनल में हम बात करते हैं स्पेशली प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, ऑफ कैंपस ड्राइव एंड वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। तो हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं HPCL रिक्रूटमेंट 2018 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में करंटली काफी बंपर वैकेंसीज निकली हुई है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करंटली असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, फायर ऑपरेटर एंड और भी अदर डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज ले रहा है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिप्लोमा, BSc, ट्वेल्थ या फिर 10th अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 122 निकली हुई है। एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। इसमें कैंडिडेट्स को सैलरी जो मिलने वाली है वो अप टू ₹47,800 पर मंथ मिलने वाली है। इसमें जॉब लोकेशन जो होगा वो ऑल अक्रॉस इंडिया होगा। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31st October 2018 दी गई है। लिमिटेड एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें फर्स्टली असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, इस पोस्ट के लिए BSc विद केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन, इस पोस्ट के लिए SSC और इक्विवेलेंट मीन्स आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट लेबोरेटरी एनालिस्ट, इस पोस्ट के लिए BSc विद केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क मांगा गया है। आफ्टर दैट असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एट लास्ट फायर ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए मिनिमम 12th साइंस पास आउट कैंडिडेट, साथ ही कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट इन बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो एज ऑन 1st October 2018 को कैंडिडेट्स की एज 18 to 25 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन जो होगा वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी होगा। ये जो टोटल 122 पोस्ट निकली हुई है उसमें असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के 67 पोस्ट, असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन के 6 पोस्ट, असिस्टेंट लेबोरेटरी एनालिस्ट के 7 पोस्ट, असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 7 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में 7 पोस्ट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 9 पोस्ट निकली हुई है। एंड एट लास्ट फायर ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए टोटल 19 पोस्ट निकली हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट का फर्स्टली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें की जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट होगा एंड एट लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को कॉल आ जाएगा। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो दिया गया है वो मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। तो अगर आप एलिजिबल है एंड इन वैकेंसीज में इंटरेस्टेड है तो आप इन वैकेंसीज में जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग और ज्यादा डिटेल्स एंड अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर से जाइए एंड इन वैकेंसीज में अप्लाई कर दीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक या फिर शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्या पता उन्हें इन्फॉर्मेशन काम आ जाए। एंड जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियोज में हम इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।